inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles. हेलो गाइस, वेलकम टू जेजे ऑटोमोबाइल ब्लॉग्स, और मैं हूं जिते। तो गाइस, आज की वीडियो रहने वाली है, वो रहने वाली है अपने पास मॉडिफिकेशन से रिलेटेड ही। और जो अपने पास कार है भाई, वो है अपने पास ऑक्टेविया 1.8। अगर इसके मेक ईयर की बात करूँ, दिस इज 2015 मॉडल। और गाड़ी के अंदर हो रखे हैं भाई नेक्स्ट लेवल मॉड, जिसे कहते हैं परफॉर्मेंस से रिलेटेड बिल्कुल ए टू जेड सारे मॉड वो इस गाड़ी के अंदर हो रखे हैं। हर एक चीज़ वीडियो में बताऊंगा क्या क्या इसके अंदर हो रखा है, क्या क्या इसके अंदर मॉड्स हैं, क्या क्या चेंजेस हैं। तो मेक श्योर आप पूरी वीडियो एंड तक देखिए। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दबाइए सब्सक्राइब बटन को और साथ में इस बेल आइकन को भी, ताकि आपको मेरी नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। सो गाइज, हेयर वी हैव ऑक्टेविया 1.8। और गाइज, जो इसका मॉडल है, दिस इज 2015 मॉडल। तो गाइज, गाड़ी की जो स्टॉक PS आती है, इट्स कम अराउंड 180 PS एंड द कार हैज़ बीन ट्यून्ड टू 268 PS। तो भाई अब सोच लो, 180 से सीधा 268, तो गाड़ी के अंदर कौन से नेक्स्ट लेवल के मॉड्स रखे होंगे। सो गाइज, अंडर द हुड काफ़ी सारे मॉड्स है गाड़ी के अंदर, तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। तो पहले मैं आपको गाड़ी का एक बार वॉक अराउंड दिखा देता हूँ, और गाड़ी को आपको हर एक एंगल में, हर एक जगह पर आपको कुछ ना कुछ मॉड्स दिखेंगे। अलॉय व्हील्स वगैरह सबकी बात करेंगे। तो मैं आपको पहले जैसे एक वॉक अराउंड दिखा रहा हूँ। गाड़ी भी वॉश करवाई थी, बट बारिश आ गई थी, उस चक्कर में गाड़ी दोबारा से गंदी हो गई। एग्जॉस्ट वगैरह हर चीज़ गाड़ी के अंदर इंस्टॉल है, मतलब कहते हैं ना भाई, बिल्कुल जैसे नेक्स्ट लेवल मॉड्स वो इस गाड़ी के अंदर होने वाले हैं। और ऑक्टेविया तो भाई वैसे भी जो परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट होते हैं उनके लिए बेस्ट कार रहती है, क्योंकि जो गाड़ी भाई मॉडिफाई होती है वो बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। परफॉर्मेंस से रिलेटेड, हर चीज़ से रिलेटेड काफ़ी सारे इसके अंदर मॉड्स होते हैं। तो गाइस, ये पेट्रोल वेरिएंट है, जैसे 1.8 TSI, तो पेट्रोल में आता है ये, और 1800 CC का इसके अंदर इंजन है 1.8 liter। और स्टॉक बीएच में आपको बता दिया, इट्स कम विद अराउंड 180 PS एंड इट हैज़ बीन ट्यून्ड टू 268। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्रंट से, फ्रंट में इसके अंदर आपको क्या कस्टमाइजेशन देखने को मिलेंगे। तो भाई सबसे पहले आपको गाड़ी को दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको पूरा VRS का बम्पर इसके अंदर इंस्टॉल करा हुआ है। अब यहाँ पे देखोगे पूरा ग्रिल वगैरह हर चीज़ चेंज करी है। तो भाई जो इसका स्टॉक बम्पर है वैसे नहीं आता, तो जो 2015 में VRS आती थी उसका इसके अंदर बम्पर इंस्टॉल कराया गया। आप देखो बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग है 2015 या गाइस, जो भी इसके अंदर जो VRS आती थी उस टाइम, उसका पूरा बम्पर की इसके अंदर फिटिंग है। तो आप फिटिंग देख सकते हो, बिल्कुल प्रॉपर आई है, और गाड़ी की लुक बिल्कुल चेंज हो चुकी है। ग्रिल देख लो, हनीकॉम डिज़ाइन ग्रिल है फ्रंट भी, और नीचे भी दिखाऊं तो गाइस नीचे भी पूरी अपनी हनीकॉम डिज़ाइन ग्रिल है। तो एक बार आप लुक देख सकते हो कितनी बढ़िया आ रही है, पूरी ग्रिल के साथ काफ़ी बढ़िया रिस्पॉन्स आ रहा है। 2015 मॉडल, तो भाई जिस टाइम गाड़ी परचेज़ की थी उसी टाइम ये सारे मॉड्स करा दिए थे इसके अंदर अपने पूरे बम्पर वाले सारे बम्पर फ्रंट में। एक और देखो, इसके अंदर गाइस फ्रंट स्प्लिटर भी इंस्टॉल करा गया, और गाइस ये कस्टम मेड है, सिर्फ इसी के लिए बनाया था। और जो कलर है, दिस इज़ पियानो ब्लैक, पियानो ब्लैक कलर के अंदर गाइस इसकी पूरी कस्टमाइजेशन कराई गई थी। और फ्रंट से आप लोग देखो तो काफ़ी बढ़िया आ रही है, गाड़ी ऑलरेडी लोअर्ड है, और लोअर्ड के साथ जो लिप है उसका तो काफ़ी बड़े लुक आ रही है, जो अपना स्प्लिटर है। और बम्पर वगैरह बिल्कुल परफेक्ट लुक इसे दे रहा है। तो आप पूरी लुक देख सकते हो फ्रंट में क्या क्या इसके अंदर हो रखी है। अभी परफॉर्मेंस रिलेटेड भी सारी चीज़ें आपको बताऊँगा, एक बार पूरी फ्रंट की लुक देख लो। तो गाइस फ्रंट के बाद अब गाड़ी के साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं। तो पहले जो उसके अंदर गाइस पूरे जो विजुअल मॉड्स हैं या बाहर से जो कस्टम मॉड्स कहते हैं वो आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ, फिर अंडर द हुड के मॉड्स मैं एक साथ आपको बताऊंगा। तो गाड़ी के अब साइड प्रोफाइल में आ जाते हैं। तो गाड़ी के साइड प्रोफाइल में देखोगे गाइस, गाड़ी के अलॉयज बिल्कुल चेंज है। जो अलॉयज है, देयर्स 18 inches अलॉयज, और आप ध्यान से देखोगे तो काफ़ी बढ़िया अलॉयज लग रहे हैं, अपने AD ब्रांड के अलॉयज है। इफ आई टॉक अबाउट टायर साइज, दिस इज 245/40R18, जो गाइस टायर की प्रोफाइल है दिस इज 40, जो गाड़ी जो टायर के वेड है दिस इज 245, एंड इंचेस की बात करूँ जो रिम्स है दिस इज 18 inches रिम। तो एक बार भाई आप गाड़ी की पूरी लुक देख सकते हो, मैं पूरे थोड़ा पीछे होकर आपको पूरे अलॉयज वगैरह की लुक दिखा देता हूँ। देर लुकिंग अमेजिंग, काफ़ी बढ़िया है, गाड़ी प्रॉपर लोड भी हो रखी है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपको दिख रहा होगा देखो, मैं प्रॉपर अपने 2 fingers भी इसके अंदर नहीं डाल पा रहा हूँ, गाड़ी इतनी लोअर्ड है, इतनी स्लैम्ड है। और लुक देखो भाई, अलॉयज के साथ लोअरिंग स्प्रिंग्स, देर लुकिंग अमेजिंग। इसके अंदर गाइस कोई कॉइल ओवर्स नहीं इंस्टॉल करवा रखे, इसके अंदर अपने लोअरिंग स्प्रिंग्स इंस्टॉल है अपनी H&R ब्रांड के, और मैं आपको पीछे से दिखा दूंगा, काफ़ी लोअर्ड है कार। ये देखो, इसमें प्रॉपर ही नहीं है, आपके पास एक ऑप्शन आता है गाइस, आप कॉइल ओवर्स भी लगवा सकते हो, बट इसके अंदर अपने लोअरिंग स्प्रिंग्स इंस्टॉल है H&R ब्रांड के। और गाड़ी की गाइस जो हाइट है वो काफ़ी ड्रॉप है, मुझे एग्जैक्ट फिगर्स तो याद नहीं कितने ड्रॉप है, बट आप देख सकते हो मेरी 2 fingers भी प्रॉपरली नहीं जा पा रही है। और देखो, तो आप दूर से पूरी लुक देख सकते हो कितनी बढ़िया लुक आ रही है। और अलॉयज के बाद अगर साइड में आएंगे तो आपको थोड़ी सी कस्टम विनाइल टेपिंग मिलेगी ब्लैक कलर की, तो एक कॉन्ट्रास्ट देने के लिए जो अपने साइड मिरर्स हो साथ में पूरे कॉन्ट्रास्ट के अलॉयज के साथ, पूरी आप एक बार लुक देख लो। ये साइड प्रोफाइल के बाद बैक प्रोफाइल में भी आ जाते हैं। तो बैक प्रोफाइल में सबसे पहले तो आप देखोगे बिल्कुल सिंपल है कार, कुछ ज़्यादा इसके अंदर मॉड्स नहीं हो रखे। अगर मैं दिखाऊं तो इसके अंदर पूरा अपना जो VRS इंस्पायर्ड स्पॉयलर होता है वो इसके अंदर इंस्टॉल कराया हुआ है। और दूर से पूरे स्पॉयलर वगैरह की लुक देख सकते हो कितनी बढ़िया आ रही है, देखो पूरी लुक दिखा देता हूँ।
और जो स्पॉइलर है गाइज वो अपना ये भी अपना पियानो ब्लैक में है और बिल्कुल प्रॉपर फिटिंग के साथ है। लुक काफ़ी बढ़िया लग रही है। जो आपकी करंट वी आर एस आ रही है उसके अंदर ऑलरेडी स्पॉयलर लग के आता है स्टॉक, बट इसके अंदर चेंजेस करे गए हैं। तो स्पॉइलर की लुक भी आप देख सकते हो भाई कितनी बढ़िया आ रही है, बहुत परफेक्ट लग रहा है और बिल्कुल अपना जो स्टॉक ऑक्टेविया वीआरएस आता है उसका इंस्पायर्ड है। यहाँ पे आपको एक वीआरएस की बैजिंग दिखेगी जो भी अपनी ब्लैक कलर के अंदर है। और अगर स्पॉइलर के बाद हम नीचे आ जाए तो गाइस इसके अंदर अपना पूरा जो बैक डिफ्यूज़र वो भी इंस्टॉल कराया गया है। आप यहाँ से देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है, देख रहे हो पूरा। तो गाड़ी की गाइस लुक काफ़ी एनहेंस कर रहा है। एग्जॉस्ट के बारे में भी डिस्कस करेंगे भाई, परफॉर्मेंस रिलेटेड मॉड्स है तो एग्जॉस्ट तो ज़रूर मॉडिफाई होगा, इसका ज़रूर चेंज होगा। तो गाइज इसके अंदर अपने बोल्डा के थंपर सीरीज़ के पूरे एग्जॉस्ट लगे हैं और गाड़ी पूरी डी कैट है। फ्रंट से लेके जो बिल्कुल बैक तक है इसके पूरी पाइपिंग चेंज है, अपनी एसएस की डली हुई है और जो फ्रंट से इंटेक है वो सारा कुछ रेवो को डला हुआ है। तो अभी जब आगे बोनेट की तरफ चलेंगे, अंडर द हुड चलेंगे, फिर मैं आपको हर एक चीज़ बताऊँगा। अभी बैक में जैसे आपको मैंने दिखा दिया अपने डुअल टिप इसके अंदर बोल्डा के एग्जॉस्ट और दोनों फंक्शनल है और बोल्डा के अपने थंपर सीरीज़ के इसके अंदर है। अगर आपको थोड़ा नीचे से दिखा देता हूँ मैं, ये देखो बाकी स्टार्ट करके तो मैं साउंड वगैरह आपको सुनाई दूंगा। तो बाहर से जो जो इसके अंदर मेन कस्टमाइजेशन हुई थी, जो जो चेंजेस हुए थे, सब मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। और अब चलते हैं एक बारी अंडर द हुड और उसके अंदर जो भी कस्टमाइजेशन है, जो भी मॉड्स है, वो सब मैं आपको दिखाता हूँ। सो गाइज अब अंडर द हुड आ चुके हैं और मैंने आपको पूरा बोनेट खोल चुका है और आपको हर एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं गाइज अपने एयर इंटेक के बारे में, एयर फिल्टर के बारे में। तो गाइज इसके अंदर पूरा जो एयर इंटेक है वो अपना रेवो कंपनी का इंस्टॉल करा गया, पूरा चेक कर सकते हो। तो गाइज ये पूरा सेटअप एक साथ ही आया था, ये पूरा मतलब इसके साथ ही परचेज किया था। जो आपको ये पूरा कवर दिख रहा है ये पूरा अपना सेटअप है और ये सीधा यहाँ पे जा रहा है और ये पूरा अभी इसका साउंड आपको सुनाऊंगा। पूरी एक ब्रीदिंग वाली साउंड आती है, जैसे एक बार आपको एक मोटे मोटे मॉड्स बता रहा हूँ ऊपर से। तो इसके अंदर पूरा अपना रेवो का इंटेक जो है वो इंस्टॉल कराया गया, साथ के साथ गाइस इसके अंदर अपनी बीओवी भी इंस्टॉल करी गई है। बीओवी दिखाऊं तो इसके अंदर गाइस अपनी फोर्ज कंपनी की इंस्टॉल करी गई है। यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत ब्रांडिंग दिख रही होगी, देखो यहाँ पे अपनी फोर्ज की ब्रांडिंग। तो गाइस जो बीओवी है वो यहाँ पे इंस्टॉल करी गई है। साथ के जैसे मैंने आपको कहा गाइस गाड़ी पूरी डी कैट है, तो गाइस पूरा इसका जो पूरा सिस्टम है, पूरा जो पाइप है वो फ्रंट से चेंज करा, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा जो डाउन पाइप है गाइस ये भी अपना रेवो का इंस्टॉल करा गया है। और जो पूरी पाइप है गाइस वो अपनी एसएस की है और पीछे मैंने आपको जैसे बताया था गाइस अपना मफलर है जो पूरा वो बोल्डा का अपना थंपर सीरीज का मफलर है। आप पूरा दिखा देता हूँ आपको, डाउन पाइप पूरा गाइस एसएस का है। तो गाइस पूरा सेटअप चेंज है अपना, पूरा इनटेक हो गया, बीओवी हो गया। बीओवी के साउंड में पूरी आपको दिखाऊंगा, सुनाऊंगा प्रॉपर, बहुत ही प्लीजेंट साउंड अभी मैंने सुनी थी। और डाउन पाइप ये रही तो पूरी पीछे तक गई हुई है गाड़ी का। गाइस इनटेक वगैरह चेंज है तो गाड़ी प्रॉपर रीमैप भी करी गई है। सो रीमैप है गाइस, दिस इज स्टेज 2+ और जो ब्रांड यूज़ करा गया है वो अपना रेवो का यूज़ करा गया है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया 180 PS की स्टॉक आती है, तो रीमैप वगैरह के बाद इसकी जो PS आ चुकी है वो जा चुकी है अभी 268 PS। तो ये सारे पूरे मॉड्स हैं। तो गाइज हर एक चीज़ जो आपकी जो गाड़ी की PS BHP बढ़ाती है वो सारे मॉड्स बढ़ाते हैं। आपका इंटेक से भी फ़र्क पड़ता है, आपका जो आप पूरा मफलर वगैरह इंस्टॉल करवाते हो, एग्जॉस्ट सिस्टम इंस्टॉल करवाते हो, उससे भी फ़र्क पड़ता है। बाकी लोरिंग्स में इसके बारे में आपको बता ही दिया था। अब भाई इस गाड़ी में अब इतनी ज़्यादा पावर आ चुकी है तो ब्रेक्स भी ज़रूरी है। तो गाइस ब्रेक्स भी इसके अंदर पूरे अपग्रेडेड हैं। जो ब्रेक्स हैं गाइस वो अपनी EBC के हैं। जो रोटर्स हैं गाइस आपको दिख रहे होंगे वो भी चेंज है और जो ब्रेक पैड्स हैं गाइस वो भी पूरे चेंज है अपने येलो स्टफ EBC के। अब आपको दिखा देता हूँ, आप पूरे देख लो। तो गाइस अपने रोटर्स हैं वो सिर्फ फ्रंट में चेंज है और जो ब्रेक पैड्स हैं वो अपने आगे पीछे दोनों चेंज है EBC के, जैसे कि दिख रहे होंगे यहाँ पे। अगर पीछे से भी दिखा देता हूँ, पूरे पीछे गाइस रोटर्स चेंज नहीं है अपने, जस्ट जो ब्रेक पैड्स हैं वो चेंज है। तो गाइस इससे ब्रेकिंग में बहुत फर्क पड़ जाता है। अब गाड़ी में अगर आप इतनी पावर दे रहे हो, गाड़ी इतनी अपग्रेड करवा रहे हो, तो भाई ब्रेक्स अपग्रेड करवाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही जो टायर्स है गाइस वो भी काफ़ी बढ़िया डलवा रखे हैं, ब्रिजस्टोन के टायर साइज मैंने आपको बता दिया था। जो ब्रिजस्टोन की सीरीज है गाइस आपको ये देख लो, पूरे यहाँ पे सीरीज दिख रही होगी, पोटेंजा S001, काफ़ी अच्छे ये टायर्स हैं। और जो गाइस जिसकी अगर आप कंपेयर करोगे तो अपने मिशलिन के PS4 वाली सीरीज से बिल्कुल परफेक्ट है और टायर साइज मैंने आपको बता ही दिया था। तो ये तो बात हो गई गाइस मोटी मोटी जो वर्बल बातें होती है क्या क्या अपग्रेड्स थी। अब बात करते हैं भाई इसकी बेसिकली साउंड की। अपनी एयर इनटेक की भी साउंड सुनाता हूँ, अपनी BOV की भी सुनाता हूँ और साथ में एग्जॉस्ट की भी सुनाता हूँ। सो गाइस अब गाड़ी स्टार्ट कर दी है और जो मेन सब वेट कर रहे होंगे इसकी साउंड सुनने का, तो भाई जो इसका अपना जो एयर इनटेक है और साथ में जो BOV है उन दोनों की कंबाइन साउंड आएगी। तो आपको रैप करके सुनाता हूँ, पूरी साउंड सुनना, रैप कर दो। सो गाइज आप लोगों ने पूरी साउंड सुन ली होगी, बहुत ही प्लीजेंट साउंड आ रही है, काफ़ी मज़ा आ रहा है सुनने में। अभी एग्जॉस्ट की साउंड भी सुना दूंगा। बाकी गाइज आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो
जो अपना ये पूरा जो अब डाउन पाइप है ये गाइज अपना हाईएस्ट ग्रेड स्टील का बना हुआ, अपना एसएस का है पूरा, और इसका गाइज प्रॉपर अपना मॉडल नंबर वगैरह है जो आपको दिख रहा होगा, पूरा डाउन पाइप जो है रेवो का काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। तो गाइज हर चीज़ बेसिकली मेरे परफॉर्मेंस, अपना जो इनटेक है वो भी रेवो का है, अपना जो डाउन पाइप है वो भी रेवो का है, बस जो मफलर है वो पीछे गाइज वो बोल लगे हैं, और जो अपनी रीमैप है गाइज वो भी अपनी पूरी रेवो की ही है। तो मैं एक बार आपको पीछे का भी साउंड सुना देता हूँ, एग्जॉस्ट नोट क्या आ रहा है पीछे चल के वो सुनाता हूँ मैं आपको। सो गाइस फ्रंट से साउंड सुनने के बाद हम बैक में आ चुके हैं, और अब बैक में भी आपको साउंड सुनाता हूँ। तो एक बार स्टार्ट करके गाइस अब पूरा स्टार्टिंग नोट सुनो। तो अभी सिर्फ गाइस ये स्टार्ट है, और अपने जो दोनों गाइस मफलर दोनों टिप है दोनों फंक्शनल है, ये नहीं कि सिर्फ एक लुक के लिए, आपको दिखा देता हूँ यहाँ से भी पूरा फंक्शनल है, और यहाँ पे भी दिखा देता हूँ पूरा, ये देखो। तो अब मैं एक बार आपको रेव करके दिखाता हूँ, रेव कर दो। जैसे कि आपको पता है ऑटोमेटिक वेरिएंट है, तो ऑटोमेटिक वेरिएंट में इतने जो अगर आप गाड़ी खड़ी रहती है तो उसमें इतने हाई रेव नहीं होता। तो जब इसके रनिंग शॉट्स मैं दिखाऊंगा आपको, जब आपको और ज़्यादा साउंड फील होगी, और पूरा बेसी वाला ये भी पूरा अपना जो है मफलर वो है, तो बात हो गई गई पूरी कस्टमाइजेशन की बेसिकली गई, जिसमें परफॉर्मेंस मोड्स थे और बाहर से जो भी चेंजेस थी, इंटीरियर में कोई चेंजेस नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नहीं दिखा रहा हूँ। अब मैं कुछ दिखाता हूँ आपको इसके रनिंग शॉट्स। सो गाइज जो ये वाली अपनी ऑक्टेविया है, इसके अंदर एक स्पेशल बात भी, और मतलब एक डिफरेंट है, जो अपनी ऑक्टेविया 2015 में आई थी गाइज, ये लिमिटेड एडिशन आई थी, और अपनी मतलब जो मॉडल है मतलब वो जील एडिशन करके आया था कुछ, जो आपको इसकी सीट्स है ये आप देख सकते हो, पूरी एलकेंटारा सीट्स है, जो करेंटली आपको जो अभी वाली VRS आ रही है उसके अंदर आपको सेम देखने को मिलती है। ये कुछ आफ्टर मार्केट नहीं है, दिस इज वेरी स्टॉक, बिल्कुल स्टॉक है ये, कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं करेगा, क्योंकि कुछ लोगों को शायद अगर इंटीरियर देखा होगा सोच रहे होंगे भाई ऐसी सीट्स तो आती नहीं, चेंज कराई होगी, भाई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। जो कि जो मॉडल आया था काफ़ी कम यूनिट्स में आया था, एग्जैक्टली यूनिट्स याद नहीं है, बट बहुत कम आया था। मैं आपको पीछे से एक बार सीट्स वगैरह दिखा देता हूँ पूरी, आप पूरी देख लो सीट्स, और काफ़ी बढ़िया लग रही है सीट्स, काफ़ी प्रीमियम सी लगती है, लेदर और ये पूरा कॉम्बिनेशन आप पूरा चेक कर सकते हो। तो इंटीरियर में बस गाइज ये दिखाना आपको ज़रूरी था, क्योंकि लिमिटेड एडिशन है, तो लिमिटेड एडिशन के अंदर ऐसा ही इंटीरियर आया था। तो अब दिखाता हूँ मैं कुछ आपको इसके रनिंग शॉट्स। सो गाइज आप गाड़ी के अंदर आ चुके हैं, और एक बार मैं आपको BOV वगैरह की साउंड अंदर से सुना देता हूँ। तो वैसे आपको देखो साउंड आ रही होगी, एक विसल टाइप आ रही होगी, वो BOV की साउंड ही है। और आपको अभी अगर पिकअप टेस्ट भी दिखाऊंगा गाड़ी का, जो इतनी पावर है उसका आपको पूरे इफेक्ट दिखाऊंगा। अभी तो जस्ट आप एक बार साउंड सुन लो, उसके लिए अलग से दिखाएंगे, बिल्कुल खाली रोड पे, अभी भी हम खाली रोड पे हैं, जब भी हम सब टेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, आपको साउंड आ रही होगी, फील करो। मज़ा आ रहा है सुनने में, और मतलब कानों को काफ़ी प्लीजेंट लग रहा है सुनने में। तो ये तो बात हो गई गाइस BOV की जो अंदर साउंड आ रही है, और अभी हम एक खाली रोड पे जा रहे हैं जहाँ पे कोई भी नहीं होता, वहाँ पे आपको बस एक पिकअप टेस्ट दिखाऊंगा इसका। मैं रिकमेंड नहीं करता बिल्कुल भी फास्ट ड्राइव करना, बस आपको एक टेस्टिंग के लिए पिकअप पावर दिखा रहा हूं। तो बस हम लोकेशन पे पहुंचते हैं, फिर मैं आपको साउंड उसकी सुनाता हूं। 12 सेकंड्स लेटर। सो गाइस एक बार एक्सेलरेशन भी देख लो इसकी, आप लोगों ने देखा होगा भाई कितना बढ़िया पिकअप है इसका, और 100 कब पहुंच गई है, और बिल्कुल मतलब खाली रोड पे हमने टेस्ट किया था, मजा आ गया। थोड़ा सा और आपको एक आइडिया दिखा देता हूं, उसका क्लिप दिखा देता हूं भाई, देखो भाई बहुत ही शानदार इसका है, और भाई ये भी मैंने आपको पूरा दिखा दिया है, और बाकी ये है कि भाई जितना मैं दिखा सकूं उतना दिखा रहा हूं आपको। तो भाई अब चलते हैं बाहर, और बाहर से आपको इसका एग्जॉस्ट नोट मूविंग में दिखाता हूं। इट्स टाइम अब वीडियो का एंड करते हैं, और जितनी भी मेरे पास इंफॉर्मेशन थी इस कार से रिलेटेड आई होप मैं सब आपको दे पाया हूँगा।
बाई चांस अगर भाई कुछ रह गई होगी और आपको बाई चांस दिख के पता लग गया होगी भाई इसमें ये मोड्स भी है, तो कमेंट करके जरूर बता देना ताकि जितने भी हमारे व्यूअर्स, जितने भी हमारे भाई है, फैमिली है, उन्हें पता लग जाएगी भाई और भी काम हो रखे हैं। अगर एक एक चीज लिख के बैठेंगे तो भाई काफी लंबी मॉड लिस्ट बन जाएगी। तो मतलब कहते हैं बिल्कुल नेक्स्ट लेवल काम हो रखा है, बिल्कुल दिल खुश हो चुका है। परफॉर्मेंस रिलेटेड मोड्स भर भर के हैं भाई, भर भर के हैं। ड्राइविंग एक्सपीरियंस बहुत ही वंडरफुल था। अब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आते हैं कि यार अब गाड़ी को मॉडिफाई करवा रहे हैं तो एक अगर ऐसी मॉडिफाई करवानी है तो एक बजट क्या लेके चले। तो भाई अगर मैं इस गाड़ी का अप्रोक्स बताऊं तो अप्रोक्स टू 5 लाख इसके अंदर स्पेंड हो रखे हैं, क्योंकि जो हर एक चीज़ है गाइस तो सारी ब्रांडेड यूज़ कर रखी है। सेकेंडली जो परफॉर्मेंस मॉड्स होते हैं गाइस वो बेसिकली महंगे ही आते हैं। अगर मैं छोटी सी बात बताऊँ तो मुझे अलॉयज जो 18 इंचज़ के अलॉय व्हील्स हैं तो इसकी अगर कॉस्टिंग बताऊँ तो गाइस ये अराउंड 80,000 के करीब आते हैं आपके, क्योंकि ब्रांडेड अलॉय व्हील है, कोई लोकल अलॉय व्हील्स नहीं है, कोई कस्टम नहीं है। तो जो अपने ब्रांडेड अलॉय व्हील्स आते हैं उनकी कॉस्टिंग ज़्यादा आती ही है। तो अप्रॉक्स की बात करें तो 5 लाख इसके अंदर स्पेंड हो चुका है। और भाई शॉप के कोई अमाउंट नहीं होता, जैसा जिसका दिल करता है ज़्यादा सब स्पेंड करते हैं। हम परफॉर्मेंस एंथुसियास्ट हम भाई कार के जो पेट्रोल एंज होते हैं उन्हें मज़ा आता है स्पेंड करने में, दिल खुश होता है। तो बेसिकली हर एक चीज़ मैंने कवर कर दी। अगर भाई वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों का शेयर करना भाई जिनके पास ऑक्टेविया और वो प्लान कर रहे हैं कि भाई हमें मॉडिफाई करवानी है तो उनके साथ जरूर शेयर करना। इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो भाई इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जे जे ऑटोमोबाइल व्लॉग्स जो चैनल का नाम है, वहाँ पे जाके फॉलो करो, वहाँ पे अपडेट्स मिल जाते हैं कब नई वीडियो आ रही है। थैंक यू।